उसके पीछे ही बहुत सारे रीजंस है, वो मैं बताऊंगा। रूम पे जाके बहुत परेशान हुए हम, सामान बहुत सारा था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा। मैं कुछ अभी इसलिए एक भी चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज मैं तैयार होकर बैठा हूँ, रिक्शा में सारा सामान पैक है, बाइक के साथ जाना है हमने। कहाँ जाना है? इंदौर। हम जा रहे हैं इंदौर, और इंदौर भी किस लिए जा रहे हैं? अभी मेरा भाई बताया किस लिए जा रहे हैं, शूटिंग के मैच के लिए, राइफल शूटिंग। आज मेरे राइफल, ये भाई की राइफल है, इसमें इंटरनेशनल के लिए ट्रायल है भाई का, तो मैं बस वैसे साथ में जा रहा हूँ और थोड़ा सा घूम फिर आऊँगा, इंजॉय कराऊँगा। हम जाएंगे ट्रेन में, और ट्रेन हमारी 6:30 बजे की, 5:40 अप्रोक्स हो चुके हैं, अभी निकलते हैं। बस यहाँ से देखते हैं कैसे क्या रहेगा आगे माहौल। हम जाएंगे उज्जैन में, जो जो हमसे होगा टेम्पल देख के जाएंगे, वो हम देखेंगे जितना हो सकेगा। मैं तो एंजॉय करूँगा, भाई का मैच है, भाई अपना अभी से भाई ऑल द वेरी बेस्ट। तो गाइस आ चुके हैं पानीपत रेलवे स्टेशन पे, और सब चलते हैं अंदर। ये भाई भी हमारे साथ है, इस भाई का भाई है और मेरा भी भाई है ये। स्टेशन पे आ गए हैं भाई साहब, और टाइम हो रहा है 7:55, यानी कि 6 बज चुके हैं। और बोल, 5:55 हो गया, 7:55, 20-25 मिनट में अपनी ट्रेन आने वाली है, यहाँ से निकलते हैं अभी। 14 से 15 स्टेशन है बीच में हमारा, ये है अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे का सफर। 19 घंटे है, पहले तो कुछ कहते हैं यार, फिर कुछ कहते हैं भाई। 19 घंटे का सफर है भाई, मेरे को देख देख के अपना स्माइल कर रहा है, शर्मा रहा है, क्या बात, तेरे बवाने वाली है। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर तक। वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। गाइस आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बेकार बात है जो ये चीज हुई है अभी, क्या लगता है कि ऐसे जो आप यूज कर सकते हो, ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। इतने बड़े रास्ते बना रखे हैं यार, उस पे से जाओ ना ब्रो, दूर पड़ता है यार, वही सीधे रास्ते से जाओ यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं क्या पता क्या हादसा हो जाए, सारा हम फोनों में देखते रहते हैं बार बार, फिर भी अपना मानते नहीं लोग, तो कुछ कमेंट जरूर बताना लोग, मतलब इसके बारे में क्या राय है आपकी, तो कमेंट जरूर करके बताना गाइस वीडियो में। ट्रेन थी हमारी आधा घंटा लेट, अब आई है प्रॉपर 7 बजे, आ चुकी है, दिख रही है सामने लाइट, दिख रही है पूरा आधा घंटा लेट थी बस। ओ बस नहीं, ट्रेन 40 मिनट लेट है, आ गया अपनी, इसी ट्रेन में बैठना है हमने। S3 डब्बा है हमारा, और कहाँ गई, कहाँ, मालवा, हाँ मालवा। D2 S8 आगे जाएगी भाई, आगे जाएगी। हम पहुंच गए उज्जैन 11 बजे, और हमने पहुंचना है इंदौर अप्रोक्सीमेटली 2 बजे के आसपास। उज्जैन इसने हमारे को बल्कि 10 मिनट पहले पहुंचा दिया टाइमिंग से जो नेट पे आ रही थी, और पूरी रात मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके पीछे ही बहुत सारे रीजंस है, वो मैं बताऊंगा। रूम पे जाके बहुत परेशान हुए हम, सामान बहुत सारा था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, इतने परेशान हुए हद से ज़्यादा। मैं कुछ अभी इसलिए एक भी चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाया। ये बैठा अभी भाई, ये है हमारी सीट, शायद बिजी है कहीं, तो क्या बात है, क्या हाल है? स्वाद ले रहा करती है, अब कर देंगे सीट नीचे। फिर निकाला मैंने फोन अपना, अब करते सीट नीचे भाई।
पेड़े के लगा दिया मैंने। जंगली सूर, जंगली सूअर है ये। अभी हम लोग प्रॉपर इंदौर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो चुकी है। हाँ, सिर्फ हम बैठे हैं अभी। ऑलमोस्ट मतलब कहीं 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 कोई कोई है, बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। एक और आगे जाऊंगा, अभी देखता हूँ आगे जाके। इसमें देखो, इसमें चलता हूँ। अरे राम जी, हाँ ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। कोई 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 कोई, थोड़े बहुत तो खैर बैठनी है, ट्रेन आगे जानी है। तो सुबह से कुछ नहीं खा रखा, एक पेटीज तो ले ही आऊँ यार, भाई खाता नहीं, मैं तो ले ही लूँ। तो उतर गए हम अपने, हमने जहाँ पे उतरना था और हमने ये लिया कुली सामान, हमारे से अकेले उठना नहीं था। तो अभी भाई को मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा और अपना सामान चलता रहेगा। चल भाई, ये हमारे वेलकम के लिए बैंड बजाने वाले खड़े हैं यहाँ पे। सांस चढ़ गया भाई, ला दे भाई जोर। ऑटो में डाल लिया सारा सामान, ले भाई पकड़ मेरा बैग भी। डॉक्टर अम्बेडकर नगर, प्लेस हो गया, यही रेस्टोरेंट है भाई।